राम राम किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, आज मैं आया हूँ ग्राम जड़ोड़ कटिया में और यहाँ पे एक किसान आदमी ने बहुत ही अच्छी तरीके से मकान बनाया हुआ है और मैं बात भी कराऊंगा। पहले मैं आपको मकान का व्यू दिखा दूं। ये देखो भाइयों, ये इधर से और जी इधर तक एक इन्हीं का मकान है और यहाँ पे इनके नाम लिखे हुए हैं जोगिंदर सिंह, गोविंदर सिंह। यहाँ से इनका एक मेन एंट्री गेट है जिसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बुलेट वगैरह और ये देखो खड़ी है और देखो ये यहाँ पे बैठे, मैं परिचय भी कराऊंगा। नमस्कार जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका किसान योद्धा चैनल में। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा जी, आपका शुभ नाम? जोगिंदर सिंह। अच्छा अच्छा, और आपके पिताजी का नाम जी? सिंह। अच्छा अच्छा, तो अंकल जी जो मतलब ये मकान है आपने नशे से बनवाया था, अपने दिमाग से? अपने दिमाग से बनाया था। अच्छा मिस्त्री ने भाई ऐसे ऐसे काम चलना है, ऐसे कमरे बनने हैं। अच्छा अच्छा, तो अंकल जी थोड़ा सा ये बताइए, हमारे किसान भाई को जैसे खेतीबाड़ी करते हो तो किस विधि द्वारा कर रहे हो फिलहाल? पट विधि द्वारा या रिंग पट विधि द्वारा? अच्छा पट विधि द्वारा। कभी सोचा कि खेती मतलब अलग तरीके से कही जा? अच्छा अच्छा अच्छा, ये देखो भाई हो किसान आदमी है। अच्छा ये आपके भाई है? अच्छा अच्छा अच्छा, ये देखो भाई हो कितने अच्छे तरीके से मेंटेन करा रखा और अपने दिमाग से बनाया हुआ मकान है, सबसे बड़ी बात। तो मैं परिचय जान लूं इनका भी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका नाम जी? डॉक्टर अजय। अच्छा अच्छा, और आपके पिताजी का नाम जी? रामचंद्र सिंह। अच्छा अच्छा, तो देखो भाई हो एक इधर बैठे इनसे भी परिचय करा दूं मैं। नमस्कार जी, आपका शुभ नाम जी? अच्छा अच्छा, और आपके पिताजी का नाम जी? अच्छा अच्छा, तो अंकल जी ट्रैक्टर है आपको पता है कौन सा मॉडल है? कौन सा मॉडल है तकरीबन बता सकते हैं? अच्छा अच्छा, हाँ जी। अच्छा 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 अच्छा, तो देखो किसान भाइयों मैं इनके ट्रैक्टर वगैरह भी दिखाऊंगा, सामने खड़े हैं। और ये अंकल जी है, नमस्कार अंकल जी। तो ये खाट मतलब जी घर की है, मतलब कहाँ से ली? हैं? ये देखो भाइयों बुनाई देख लो, ये तुमने खुद बुन रखी जी? बनवाई बनवाई जी। अच्छा अच्छा, ये देखो भाइयों, ये देखो इधर डिजाइनिंग देखो यार खाटों में, और घर की खाट है बिल्कुल। ये देखो, ये देखते आप सभी, ये देखो, तो ये मेहमान के लिए बनवाई है जी। अच्छा अच्छा, तो तकरीबन मकान को कितने दिन हो गए बने हुए जी? ये 97। अच्छा 97 का बना मकान है। ये देखो भाई 97 का बना मकान है और देख सकते हैं आप सभी, और मैं ट्रैक्टर वगैरह दिखाऊंगा इनके। और भाई आपका क्या नाम है? अभिजीत। अच्छा आप क्या करते हो? पढ़ रहा हूँ। अच्छा कहेंगे तैयारी कर रहे हो भाई? अभी तो 12 की है मैंने। अच्छा अरे इस मतलब आर्मी जाने का सपना है? हाँ जी। अच्छा अच्छा, देखो भाई तो ये इनका लड़का है, जैसे कमरे नहीं होते। देखो भाई हो इतना बड़ा, तो बाथरूम है इनका। ये देखो भाई, और अब मैं दिखा दूं। अच्छा इधर से दिखाइए अंकल जी, ये हॉल है। है जी हॉल है। अच्छा अच्छा हॉल है, तो देखो भाई हो इधर इनके पशु वगैरह है, वो भी दिखाऊंगा मैं। और थोड़ा सा मैं दिखा दूंगा आपको। कोई बात नहीं, बात नहीं, चलो सो जान दो ने। राम जी, देखो भाई ये बैठक बना रखी है और एक हुक्का भी है। ये देखो भाई ये बैठक है। अच्छा मेहमानों के लिए बना रखी है? अच्छा अच्छा अच्छा, ये आओ, ये कौन है भैया? ये छोटा भाई। अच्छा अच्छा, छोटा भाई आपका जोगिंदर नाम है ना भैया का? जोगिंदर। अच्छा अच्छा, तो देखो भाइयों ये ऊपर छत देख लो, छत में डिजाइन बहुत अच्छे तरीके से बना रखा है। और अब मैं आपको इनके पशु वगैरह और सब चीज दिखाऊंगा, टू जेड मेरे साथ में है। तो जो कृषि यंत्र है ये घर की है? अच्छा अच्छा, देखो भाइयों पेड़ पौधे और ये देखो झोटा, मतलब सब तरह के शौक रखते हैं अपने, शौकीन किसान है। तो ये जो भैंस है गाय है सब दूध दे रही, सब दे रही है? अच्छा अच्छा, ये देखो भाइयों, तो घर की है सारी की सारी भैंस ये? अच्छा अच्छा, तो देखो भाइयों ट्रैक्टर में दिखा दूंगा जी अंकल जी। और देखो ये पानी अच्छे पशु के लिए बना रखा जी आपने, पानी पीने के लिए? देखो घर में टॉयलेट है भाइयों, सबसे बड़ी बात। और थोड़ा सा मैं इधर से दिखा दूंगा इनका ये मकान, थोड़ा सा मैं ऊपर से भी दिखाऊंगा। तो ट्रैक्टर ये कद का जी, कौन सा मॉडल है? 15 मॉडल है। अच्छा अच्छा, स्टार्ट करके दिखा सकोगे? तो देखो किसान भाइयों मैं स्टार्ट करके आपको आवाज दिखाऊंगा ट्रैक्टर की। ये देखो भाइयों, चाला बाढ़ दे भाई, आवाज ने दमदार आवाज है भाइयों। तो जैसे ट्रैक्टर यूज कर रहे आज तो कोई दिक्कत ट्रैक्टर में नहीं, बड़ा काम करा खेती में। देखो भाइयों, और वो दूसरा कौन सा मॉडल है जो? 88। देखो भाइयों ट्रैक्टर था महेंद्र का 500 DI में। और एक अच्छा आलू रखेगा खेत में, घाट पे पड़े सूखा? अच्छा अच्छा,
तो तकरीबन खेती वगैरह कितनी बो रहे हो जी आप फिलहाल? 100 बीघा। अच्छा अच्छा, देखो 100 बीघे किसान है। और देखो भाई ये भी स्टार्ट करके दिखाऊंगा मैं, अंकल जी स्टार्ट करके दिखाना, मैस जी का है। ये देखो भाई चला बाहर दे भाई ट्रैक्टर ना, भाई ट्रैक्टर की टक्कर करनी है वो तो है ही है। और ये देखो आवाज देखो, तो ये कौन सा मोटर है जी? अच्छा, तो चलाने में इसे मजा आवे या उसे ज्यादा मजा आवे चलाने में आपको? अच्छा अच्छा, ये देखो भाइयों, अच्छा मॉडिफाई करा रखा जी आपने जी। देखो भाइयों कितना अच्छा ट्रैक्टर है। और अब मैंने कि आपको पशु दिखाऊंगा, तो इस ट्रैक्टर को यूज कर रहे हो तो आज तक कोई दिक्कत आई? बड़े काम करा है। अच्छा अच्छा, ये देखो भाई इधर अपना चारा गार्डनिंग मशीन है, तो मतलब चला भी लेते हो, ज्यादातर इसे चलाते हो? अच्छा अच्छा, तो ये पशु वगैरह है सारे दूध दे रहे मतलब? ये देखो भाइयों कितनी तो भैंस है। और ये कह रहे हैं कि हमारे इलाके में आना आ जाइयो, मैं तो देखो टक्कर मारने को बेताब है। अच्छा, तो वो घर की सारी भैंस है जी? घर की। अच्छा अच्छा, देखो भाइयों ये कौन सी नस्ल है अंकल जी? गाय सवाल नस्ल है ना? ये सवाल नस्ल की गाय नहीं, ये है अमेरिकन। अमेरिकन कहते दिखे ना अमेरिकन गाय है यो है। देखो ये है, देखो भाइयों सवाल नस्ल की गाय जो काले कलर की होती है, देखो यहाँ यहाँ से और ये देखो इधर तक पशु ही पशु। देखो भाई तो दूध वगैरह मतलब घर रखो मतलब या दो करो कहीं? घर ही रखो। जानो भाइयों मैं आपको थोड़ा सा इनका मकान इधर से भी दिखा दूं। देखो ये पेड़ पौधे सब अच्छी तरीके से कर रखे हैं। और ये देखो भाइयों ये ऊपर जिन्ना है। अच्छा जी आपके पिताजी ने बनवाए रहे हैं जी? अच्छा अच्छा, देखो अंकल जी के पिताजी ने बनवाया था और आज मैं अंकल जी के मकान पे आया हूँ। और काफी अच्छी फैमिली है और किसान परिवार है देखो भाइयों, सबसे बड़ी बात। और लड़के कितने जी आपके? लड़के तीन। अच्छा अच्छा, तो देखो भाइयों तो देखो ये माँ जी है और ये आंटी जी है। नमस्ते आंटी। हेलो माँ जी, ठीक हो? ठीक हो। हाँ जी हाँ भाई, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? अंगूरी। कौन से गांव से माँ जी? अच्छा अंतवाड़ा गाँव के है। तो माँ जी कोई दिक्कत रह गया है मतलब? हाँ, दर्द वगैरह है घुटनों वगैरह में? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ तो माँ जी खाया पिया करो बढ़िया। अच्छा 95 साल की होगी? देखो भाई 95 साल की एज हो चुके हैं माँ जी की। और मैं तो शोर से यही कामना करूंगा कि भगवान इनको दीर्घायु करे, इनकी मतलब उम्र बढ़ाए। और देखो आंटी जी, आंटी जी आपका क्या नाम है? अच्छा अच्छा, आंटी जी आप कौन से गांव से हो? आप कौन से गांव से हो? सोना। अच्छा सोना से। और आंटी जी आप? सोना। अच्छा अच्छा, आप भी सोना से हो? अच्छा अच्छा, देखो ये भैया है और देखो भैया का बहुत अच्छे तरीके से मकान है कि ये देखो कितनी अच्छी तरीके से मेंटेन करा रखा है और अपने दिमाग से बनाया हुआ मकान है। मैं इनके कमरे दिखाऊंगा जी, कमरे दिखाइए थोड़ा सा। अच्छा एक कमरा ये रहा, ये देखो इनका लड़का है। और ये देखो भाई इधर से ये देख सकते हैं, लाइट नहीं है? लाइट कौन दे? कहाँ से? लाइट कौन दे? चलो कोई बात नहीं। ये देखो भाइयों ये देख सकते हैं आप सभी, इधर मंदिर का कर रखा है। और ये देखो भाई कितने अच्छे तरीके से मेंटेन करा रखा है, किसान फैमिली है। और अपने जो पापा जी की धरोहर है उसको आज भी लोने संभाल के रखा हुआ है। अच्छा ये आपके पिताजी थे? क्या नाम था जिनका? तेजपाल जी। अच्छा ये देखो भाई इनके पिताजी थे और आपके पिताजी ने मकान बनाया था और आज भी देखो इन्होंने अपने जो बड़ों की धरोहर है उसको संभाल के रखा हुआ है, जो सबसे बड़ी बात होती है देखो किसान भाइयों। और मैं तो ये कहता हूँ कि अपने बड़ों की धरोहर को संभाल के रखा है। ये देखो भाई इधर से ये कमरा कितने अच्छे तरीके से मेंटेन करा रखा है। और मैं इधर से दिखा दूं, देखो ये कमरा ये रहा। अच्छा ये सामने कौन है जी? मेरा। अच्छा आपका है? जवाने का है? ये देखो भाई तो ये तकरीबन कितना कितना पुराना फोटो होगा जी आपका? देखो ये अंकल जी का फोटो है, तो कभी मैं पढ़ जाऊंगा जब का फोटो होगा। अच्छा 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 अच्छा, तो देखो भाइयों आज मैं यहाँ पे आया हूँ और भैया की फैमिली से मुझे तुम्हारी कितनी उम्र है? अच्छा अच्छा 50 साल की उम्र हो रही मेरी। अच्छा 50 साल की तो है नहीं। अच्छा अच्छा, देखो भाइयों कट्टी फैमिली साथ में रहती है और निकले लाइक का जरूर बटन दबा देना। अच्छा एक साथ रहते हो, खेती बाड़ी भी एक साथ ही करते हो? अच्छा अच्छा, परिवार एक साथ। तो खेती बाड़ी में मतलब गन्ने की फसल करते हो या कुछ भी बाग वगैरह बो रखा? अच्छा अच्छा, देखो भाइयों
गन्ने की फसल करते हैं। और देखो भाई अपना भाई है तो कौन 12वीं क्लास में है। अच्छा अच्छा हम दोनों भाई भाई ये दोनों अच्छा अच्छा सोना अच्छा। ये देखो भाई हो और उधर से मैं दिखा दूं आपको छत देख लो कदी बहुत पुराने इनके पिताजी ने मेंटेन कराया था वो देखो भाई हो। ये देखो उधर से कितने अच्छे तरीके से मेंटेन करा रखा है। और देखो सबसे बड़ी बात है आज भी इन्होंने अपने जो बड़ों की धरोहर है पिताजी की जो धरोहर है उसको संभाल के रखा हुआ है। और मैं तो ये कहता हूँ जो मेरे किसान भाई वीडियो देखते हैं तो भाई कुछ नहीं ये देखो दद्दी है और काफी अच्छा लगा यार इनके लिए लाइक का बटन बनता है और मुझे काफी अच्छा लगा। तो किसान भाई वीडियो को शेयर करना तब तक माँ जी देखो ये माँ जी है और मुझे काफी अच्छा लगा भैया की फैमिली से। और ये देखो भाइयों कितने अच्छे तरीके से मेंटेन कर रखा जो मैंने आपको दिखाया सारा सारा। तो ये देखो भाइयों तो ठंड वगैरह रहती हुई ऐसे मकान में जी न पंखा ना चलाओ तो वैसे ही मतलब बढ़िया है। देखो भाइयों तो काफी अच्छा लगा और अब मैं दिखा दूं उधर साइड से। ये देखो भाइयों अच्छा इधर ये रसोई बना रखी है जी। अच्छा 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 ये देखो भाइयों ये देखो इधर रसोई है छोटी सी रसोई है। देखो देखो भाइयों कितने अच्छे तरीके से आज भी बड़े तरीके से बना रखी है। और इधर से मैं दिखा दूं ये देखो भाइयों मकान कमरा ये खोल दियो। चलो कोई बात ना है कोई बात खोल दिया ताला कोई बात ना है कोई बात ना। ये देखो भाइयों जो मैंने आपको इनका मकान दिखाया और किसान फैमिली है जो सबसे बड़ी बात होती है अपने आप में। ये देखो भाइयों ये यहाँ से यहाँ तक सारा आनी गई है ये और सारी कट्टी फैमिली एक साथ में रहती है। और देखो भाई हम तभी गए थे। अच्छा अच्छा हमारे गांव की लड़की है। अच्छा अच्छा मतलब बुजुर्ग। अच्छा अच्छा ये देखो भाइयों तो वे दवा दे ना। हाँ जी वैसी फूल वाली। हाँ समझ गया समझ गया। यू तो भी उधर मेरी भाटी जी समझ गया। ये देखो भाइयों तो यो भी कमरा जब किया होगा ने जी। अच्छा अच्छा ये देखो भाइयों डिजाइनिंग ये तुमने अपने दिमाग से बनाया पेंटर ने बना दिया था डिजाइन। पेंटर ने बना दिया अपने। देखो भाइयों कितना बड़ा डिजाइन बना रखा दीवार पे। और ये देखो भाइयों ये देखो अच्छा ये रसोई दद्दी के ब्याह की दिखा है। ये देखो भाइयों दद्दी के ब्याह की रसोई है। देखो भाइयों अलमारी उस जमाने में ऐसी अलमारी का चलन था। और देखो भाइयों इसमें संकल्प प्रभु कर दो तो जो लग गया लोग तो इसमें आप मतलब इसमें जाली लगी होती है मतलब आप खाना पीना सब रख सकते हैं इसमें। और देखो भाइयों काफी अच्छा लगा लगा दो जी ताला लगा दो। और देखो भाइयों इनका चूल्हा है और जो मैंने दिखाया आपको ऊपर भी क्या बना रखा है ऊपर है कुछ किंगू के जिन्ना तो अंडी लगा दो ताला लगा दो उसका चाय बना दो। अच्छा वही बता। ये देखो भाइयों अब मैं आपको इनके छत पर लेकर चलता हूँ। और देखो भाइयों गमले वगैरह पौधे वगैरह ऊपर बहुत अच्छे तरीके से लगाए हुए हैं। और अंकल जी मेरे साथ में हैं तो कितने साल हो गए मकान को से बने हुए 1997 का जी। देखो भाई 1997 का मकान है और ऊपर भी एक बैठक कह सकते हैं आप। अब तो फिलहाल इसमें उपले वगैरह भर रखे हैं यहाँ पे भी बैठक बना रखी हुई है। ये देखो भाई ये देखो और यहाँ से ये देख सकते हैं। अच्छा आप इधर से आए ना। हाँ हाँ मंदिर के पास इधर हमारा। अच्छा अच्छा ये देखो भाइयों इधर से आप पूरा का पूरा गांव कवर कर सकते हैं। और ये देखो भाइयों और काफी अच्छे जमींदार है और किसान आदमी है। तो किसान भाइयों इस वीडियो को शेयर करना और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मुझे काफी अच्छा लगा इनकी फैमिली से मिल के। नहीं लाइक का बटन तो दबा देना यार और कमेंट भी कर दिया करो। तो किसान भाइयों इधर से मैं दिखा दूं इधर से भी ऐसे ही है। अच्छा अच्छा दो भैया अपना कभी भी पता। अच्छा अच्छा ये देखो भाइयों घड़े वगैरह देख सकते हैं आप सभी यहाँ पे रखे हुए हैं। और ये देखो भाइयों कितना अच्छे तरह से ये देखो डिजाइन बनाया हुआ है ऊपर ही बैठक टाइप में बनाई हुई है। तो ये देखो भाइयों आज मैं इनके घेर में आया था। इधर से आया जी इधर से ये देखो भाइयों आज मैं इनके यहाँ पे आया हूँ। और ये भैया है मुझे काफी अच्छा लगा भैया की फैमिली से। और इधर से ये देखो यहाँ पे राधा कृष्णा की देखो कितनी अच्छी तरीके से मूर्ति है पेंटिंग वगैरह। और ये देखो भाई दोबार है जैसे गाँव देहार में दोबार वगैरह बने होते हैं। देखो भाई कितने अच्छे तरीके से बना रखा है। और देखो ये भैया है भैया आपका क्या नाम है। बोविंदर सिंह। बोविंदर सिंह अच्छा आप क्या करते हो भैया। किसान ये खेती। अच्छा खेती संभालते हो। अच्छा अच्छा ये देखो भाई ये भी किसान है अपने। और मतलब इसके अलावा सोचा कुछ अलग करने का मतलब जैसे मन में आया कि भाई सोच रखा है
अच्छा, जैसे मन में आता है कि भाई यार गांव देहात में होता है कि भाई यार प्रधानी का चुनाव लड़ना यार अगले साल, देखी जागे जो कुछ होगा। अच्छा अच्छा, नहीं पहले से प्रधान बनना, नहीं मतलब कभी उठने का सोचा कभी, मतलब अच्छा अच्छा, पर पहले से लोग कह रहे थे प्रधान जी क्या हाल है। अच्छा, तो मन में थोड़ा बहुत तो विचार आया होगा, मतलब लड़ा जा, मतलब एक बार लड़ा तो जा पर लेकिन बढ़िया काम नहीं है। अच्छा अच्छा, दारू पी जा, होटल देते जनता हूँ। देखो बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने, सही बात है, दारू पीते हैं और हाँ देखो पहले अपना काम जाओ, पर ऊपर धन्य का बाद की बात है। और ये देखो भाई हो काफी, अच्छा अच्छा तैयारी कर रहा हो भैया, तैयारी कर रहा हो। अच्छा अच्छा, तो भैया कहेंगे तैयारी कर रहे हो, आर्मी कहेंगे। अच्छा अच्छा, देखो भाई हो आज मैं बड़े वाला अभिषेक सर। अच्छा अच्छा, तीन लड़के हमारे। अच्छा अच्छा, सबसे बड़ा वो गाड़ी लेकर गया होगा। अच्छा अच्छा, तो देखो भाई हो आज हम आए थे, देखो भाई हो एक भैया है, भाई क्या नाम आपका, आप क्या कर रहे हो भाई। अच्छा अच्छा, तो ये आपके तौर चुच्चे लगते हैं। अच्छा 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 अच्छा, ये देखो भाई हो आज इनकी फैमिली से मिलकर भाई मजा आ गया, और भाइयों इनकी वीडियो को इतना शेयर कर दियो, भाई मिलियन तक जानी चाहिए, और अपना भाई है इसके काफी अच्छा लगा, तो भाई